الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين نماز قائم کرو زكاة أدا کرو وركو کرنے والوں کے ساتھ کرو ज़क़़त अरकान इस्लाम का एक अज़ीम रुकन है और इतना अज़ीम रुकन है कि सैद नबूबकर जब खलीफ़ा बने तो उन्होंने ये ऐलान फरमा दिया कि जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सल्हसम के ज़माना मुबारक में जानवर ज़क़़त के अंदर दिया करते थे और आज कोई शख़्स अगर ज़क़़त वो तो दे लेकिन उस जानवर के गले में रस्सी उतार ले तो इतने से भी कोताही मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं उस शख्स को सजा दूंगा तो ये इतना अहम मामला है सदकात जो हैं वो दो तरह के होते हैं नफली और फ़र्जी सदकात तो सदकार फितर के हवाले से हमारी गुफ्तु जारी है फितर के बारे में अमूमा एक सवाल भी ज़ेरबहस आता है कि क्या सदकतलफ़ितर नकदी की सूरत में भी अदा किया जा सकता है इसमें मज्ज़्लम के राम ने कि जो फतावाजात हमारे सामने आते हैं उनमें से यही एक बात सामने आती है कि फितर नकदी की सूरत में भी अदा किया जा सकता है मिसाल के तौर पे एक शख़्स के पास घर के अंदर गल्ला मौजूद नहीं है अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा पहले बाज़ार में जाए वहाँ से गला ख़रीदे और ला के फिर जो मुस्तहिकीन लोग हैं उनको वो गला अदा करे तो इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है और अमूमन हमारे यहाँ शहरी आबादी के अंदर ऐसा ही होता है कि लोगों के घरों के अंदर गल्ला जात मौजूद नहीं होते लोग बाज़ार से शया ले उसको अपने इस्तेमाल में लाते हैं तो अगर कोई शख़्स उसके पास गला मौजूद नहीं है तो वो एक सा फ़ीकस के हिसाब से अढ़ाई किलो के, के लिहाज से जितनी गले की कीमत बनती है जो भी चीज़ घर के अंदर कसरत से बतौर ख़ुराक खाई जाती है अल्ला के रसूल सल्हुसम के ज़माने में खजूर जौ और पनीर बतौर ख़ुराक इस्तेमाल होते थे आज भी कई घरों के अंदर गंदम इस्तेमाल होती है चावल इस्तेमाल होते हैं अगर कुछ इलाकों के अंदर आज भी वैसे ही अशिया इस्तेमाल हों जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम के ज़माने में जो अनास इस्तेमाल की जाती थी तो हर हर इलाके के लोग अपनी अपनी उस जिन्स के अतबार से जो भी वो चीज़ बतौर ख़ुराक इस्तेमाल करते हैं उसका एक सा वज़न अढ़ाई किलो की कीमत जो है वो भी अदा कर सकते हैं नकदी की सूरत में उसकी कीमत भी अदा की जा सकती है अब एक गुजारिश ये भी है कि फितर किन लोगों की तरफ़ से अदा किया जाए फितर कुंबा कबीला के घर के जितने भी अफराद हैं हती के जो मासूम छोटे बच्चे हैं शीर ख़ार बच्चे हैं उनसे लेकर घर के जितने भी अफराद हैं बूढ़े नानी नाना दादी दादा भी अगर उसी घर में रहते हैं तो उनकी तरफ़ से भी सदकतलफ़ितर जो घर का सरबरा है जो घर के तमाम अमूर को चला रहा है वो सभी की तरफ़ से सदकतलफितर अदा करेगा इसमें एक चीज़ तमबी के तौर पर ज़रूर जहन नशीन करनी चाहिए हमारे यहाँ ये भी एक चीज़ समझी जाती है कि शायद जो हमारी खेती बाड़ी के लिए हमने मुलाजम रखे हुए हैं दुकानों पर काम काज करने के लिए जो हमने लड़के रखे होते हैं या घर के अंदर जो मुलाजिम मर्द हों या मुलाजम ख़ हों उनको रखा होता है तो बाद लोगों का ये मानना है कि शायद उनका भी सदका तोलफ़ितर जो है वो उस घर के आका और मालिक के जिम्मे है जबकि ऐसा नहीं है वो लोग ग़ुलाम के हुक्म में नहीं आएंगे खेती बाड़ी के लिए जो मुलाजिम रखे हैं दुकान पे बाजार में कारोबार के लिए जो लड़के बतौरे मुलाजिम रखे हुए हैं घर के काम काज करने के लिए जो नौकर बावरची ड्राइवर गनमैन वगैरह रखे हुए हैं या आया वगैरह रखी हुई है मुलाजमत रखी हुई है तो उनका सदकतलफ़ितर अदा करना घर के मालिक पे दुकान के सरबराह पर ज़रूरी नहीं है वो लोग अपना सदक़ातलफ़ितर अपने बीवी बच्चों का सदक़ातल्फ़ितर आज ख़ुद अपनी जेब से ही अदा करेंगे अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें इस्लामी तलीमत को सीखने की समझने की अमल प्यारा होने की और आगे पहुँचाने की तोफ़ी के ताफ़रमाए اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم هل لك سر عند الله بينك انت وبين الله